भाजपा पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल आज पार्षद सुनील गौतम के नेतृत्व में बंदा धर्मपुरा गौशाला पहुंचा और गौशाला की कमियों को देखकर अंदर प्रवेश करते ही मुर्दा मवेशियों की ट्रोली में करीब 15 मरी हुई गायें दिखाई दी। पूछने पर पता लगा कि रोजाना 15 से 20 गायों की यहां मौत हो रही है। इसी के साथ भूसे में भी मिलावट पाई गई है। वहीं गायों के पीने के पानी में कीड़े तैरते मिले, जिससे नाराज वार्ड पार्षद 60 के भाजपा पार्षद सुरेंद्र ने सुपरवाइजर को गंदा पानी पिला दिया और कहा कि यहाँ गंदा पानी जो है वो गायें यहाँ पर पी रही हैं, तो तुम भी पी लो। वार्ड पार्षद सुनील गौतम ने बताया है कि गौशाला में दवाइयां और डॉक्टर की कमी है। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि गौशाला के नाम पर लाखों का बिल उठ रहा है, लेकिन उस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाई अभी नहीं दे रही है। इस दौरान वार्ड पार्षद धीरेन्द्र चौधरी, सुरेंद्र राठौर, सुरेंद्र धाकर, विनय जसवंत मौजूद रहे। लेबर से सफाई करा लो, अगर आपने बार इसको पानी निकाल, पानी आप पियो, पानी पियो, पानी बिल्कुल सही कह रहे हो जो तू ठीक पिलाए पानी, पानी पी रहा, पानी पी रहा, अरे ऐसा मत कर रे बद, पानी पी है, पानी पी, ये भी पानी गायों को पिला रहा है, तू पानी है, नहीं तो इसकी निकासी भी करो ना। यहाँ पर इतनी अव्यवस्था फैली हुई है भूसे में, बिल्कुल हमने पूर्व में भी आप ही के माध्यम से स्टीन के माध्यम से हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और हमने पिछली बार जो भूसे की स्थिति देखी थी बिल्कुल कम थी, कम बिल्कुल खराब मिलावटी भूसा था और अभी भी वही स्थिति है। न पर्याप्त स्टॉक है और न ही यहाँ पर पर्याप्त दवाएं, लंपी वायरस, इतना भयानक वायरस चल रहा है, उसके बावजूद पानी की खेल में गंदगी पड़ी हुई है, कीड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े कीड़े। आज हमने इसको सुपरवाइजर बैठा है, वो आदेश दे रहा है, कुछ काम नहीं कर रहे कर्मचारी, कर्मचारियों की कमियां लगे हैं यहाँ पर, ठेकेदार पूर्ण रूप से कर्मचारी यहाँ पर आपूर्ति नहीं कर रहा, भूसे की कमी है, हरा चारा नहीं है, दवाइयों की पूर्ण रूप से कमी है, बहुत स्थिति खराब है। आज हम गौशाला में निरीक्षण करना है, जो एक मुख्य चीज है कि गौशाला में जब गायें मर रही हैं, बीमार हैं, तो उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अनपढ़ मजदूर हैं यहाँ जो सुपरवाइजर हैं, जो काम करने वाले, उन लोगों को जानकारी नहीं है कि इन गायों को कैसे स्वस्थ किया जाए, इनको कितना चारा खिलाना चाहिए, क्या चीज़ खिलानी, क्या नहीं खिलानी, कैसे व्यवस्था देखनी, उसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि मेन चीज़ है, जब बीमारी चल रही है, आज वायरस की बीमारी है, दूसरी और बीमारियां हैं, तो उस वक्त डॉक्टर और कंपाउंडर और नर्सिंग कर्मचारी जो यहाँ होने चाहिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। पन्निया निकल गया, रोज 15-16 खतरा निकलती है, मरी हुई गाय, कभी 20 निकल जाओ, कभी 15 निकल जाओ, कभी 30 निकल जाओ, लेकिन यहाँ देखभाल नहीं है, पन्निया निकल रही है।